हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू क्लास। आज हम बात करेंगे MOOCs के बारे में। MOOCs की फुल फॉर्म, सबसे पहले तो आपको यही याद होना चाहिए कि MOOCs की फुल फॉर्म क्या होती है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये MOOCs की फुल फॉर्म है। और अब MOOC होता क्या है? फ्री वेब बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। अच्छा ओके, सबसे पहले हम इसको बहुत जनरल लैंग्वेज में समझ लेते हैं, जिससे कि आपका डाउट क्लियर रहेगा कि MOOC होता क्या है। देखिए, इसकी जो फुल फॉर्म है उसी से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, तो आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं आजकल जहां के हमें बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज देखने को मिलते हैं, जहां से हम काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। उसी को ही MOOC कहा जाता है। ठीक है, तो जनरल चीज है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हमें कोई टर्म इस तरह से देखने को मिलता है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है दिमाग में। तो ये एक फ्री वेब बेस्ड डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम है। मींस वेबसाइट के थ्रू हम डिस्टेंट लर्निंग के थ्रू कुछ प्रोग्राम सीख सकते हैं। डिजाइन फॉर लार्ज नंबर ऑफ जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड स्टूडेंट्स। और ये जो टारगेट किया गया था MOOCs, वो टारगेट अगर हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे, अभी नीचे हिस्ट्री भी देखने वाले हैं हम इसकी। ठीक है, ये हिस्ट्री ऑफ MOOCs, यहाँ से कि ये टर्म जो MOOC टर्म है वो किसने दिया था। ये 2008 में डेव कॉर्मियर थे, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में थे। ठीक है, तो उन्होंने इस टर्म को दिया था। तो चलिए ऊपर चलते हैं, एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। छोटा सा टॉपिक है आप लोगों को, लेकिन पता होनी चाहिए चीज़ें। तो ये जो ओपन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो बनाया गया था, वो जियोग्राफिकली जो फैले हुए स्टूडेंट्स हैं, मीन्स जगह जगह अलग अलग जगह पर लोग हैं, उनको हमें सिखाना है। तो ऑनलाइन एक अच्छा जरिया था सिखाने का, इसलिए MOOC स्टार्ट किया गया। ऑफन पैटर्न ऑन अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी कोर्स बट कैन बी लेस स्ट्रक्चर्ड। इसमें ध्यान ये रखा गया कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के कोर्स पैटर्न पर इसको बनाया गया, लेकिन फिर भी इसको ये कम स्ट्रक्चर्ड चीज़ थी। ऑफर सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं, जैसे अभी गूगल ने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं कि आप उनको सीख सकते हैं, आप सर्टिफाई हो जाएंगे और आपको उनमें जॉब भी मिल सकती है। ठीक है, काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं। तो इसी तरह का गवर्नमेंट भी इन चीज़ों पर काम कर रही है अभी, एनहांस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और फर्दर स्टडीज। हाउ डू MOOC वर्क्स, जो MOOCs हैं वो कैसे काम करते हैं? सबसे पहली चीज़ तो है एक्सेस थ्रू इंटरनेट, कि इंटरनेट के थ्रू हमें एक्सेस मिल जाता है उसका, हम देख सकते हैं कोर्सेज को। यूज़ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म फॉर कोर्स डिलीवरी। और जो क्लाउड, अगर आपको क्लाउड, आप टेक्निकल नहीं समझते हैं चीज़ों को, तो ये मान के चलिए कि पूरी दुनिया का जो इंटरनेट का जाल है उसका एक स्टोरेज, कई सारे क्या हैं, स्टोरेज पॉइंट बनाए गए हैं। तो जो स्टोर पॉइंट्स हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, क्लाउड कहा जाता है। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से कि कोर्सेज को डिलीवर किया जाता है। अब कोर्स कंटेंट के बारे में देखते हैं। क्रिएटेड विथ कोर्स ऑथरिंग टूल्स, होस्टिंग ऑन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से कि हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS को कहा जाता है। सम ऑफ द प्रोवाइडर्स, कोर्स मटेरियल्स एंड इंस्ट्रक्टर्स प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस, जो कुछ यूनिवर्सिटीज है, कुछ इंस्टीट्यूशंस है जो कि कोर्स मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करते हैं। टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड बाय LMS प्लेटफॉर्म लाइक edX, कैनवास और कोर्सेरा, Udacity। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं कि अब क्वेश्चन कैसे आएगा MOOC से। ठीक है, तो यहीं से आप लोगों को पूछा जाएगा कि कौन कौन सा LMS प्लेटफॉर्म्स है। तो ये आप लोगों को याद रख लेने, कुछ जो LMS प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें पूछा जा सकता है आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं, कीवर्ड्स आप लोगों को निकाल लेने, छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं उनको इसी तरह से आप करेंगे तो अगर उनसे कोई क्वेश्चन बनता है तो आप कर लेंगे। 2008 में इसे कॉइन किया गया था। कॉइन करने का मतलब है कि इस वर्ड को किसने बनाया था। ठीक है, तो वो थे डेव कॉर्मियर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। यूज्ड फॉर ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा, और इन्होंने कोर्स ऑफर किए थे, मींस ये कोर्सेज देते थे। एंड ग्रोथ इन 2011, MIT ओपन कोर्स वेयर बिकेम द फर्स्ट लार्ज कलेक्शन ऑफ MOOC रिसोर्सेज। तो 2011 में जो MIT ओपन कोर्स वेयर थे, उन्होंने MOOC जो रिसोर्सेज थे उनका कलेक्शन किया। इन 2012, MIT एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्पीयर हेडेड द edX इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ MOOCs। उन्होंने edX के साथ मिलकर क्या किया, MOOCs को
और ज्यादा प्रमोट किया पैंडेमिक इम्पैक्ट। अब देखिए पैंडेमिक टाइम पे क्या था, जो मूक थे वो बहुत ज्यादा उसमें सर्ज आया, मतलब बढ़ावा मिला उसको, क्योंकि लोग जाकर इंस्टीट्यूशन में नहीं सीख पा रहे थे तो मूक्स की हेल्प ली उन्होंने। सर्ज इन एनरोलमेंट ड्यूरिंग COVID-19 पैंडेमिक, मूक्स बिकमिंग द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल। और जो मूक्स थे उसे वो सभी स्टैंडर्ड पे क्या हुए, उनका एक नया स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म उनको मिला। तो होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा मूक वाला टॉपिक है वो है क्या एक्चुअल में, वो बस ऑनलाइन कोर्सेज हैं। आप शॉर्ट में इसे समझ लीजिए कि ऑनलाइन कोर्स पे है, और जो भी की टर्म्स मैंने आपको बताए हैं वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। वैसे ये PDF मैं ऑलरेडी आप लोगों को ग्रुप में दे चुका हूँ। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।